करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर। इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी, आपके प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए ऑप्शन बनेगा डी, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, प्रकाश प्रकीर्णन इसका जवाब राइट हो जाएगा। कब दिया गया था कोई बताएगा, इसका जवाब कोई देने वाला है बता सकता है कि इनके जो पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था, ये दिया गया था 1930 में, कब दिया गया था ये डेट याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछी गई इसलिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। और भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था 1930 में, भौतिक का नोबेल पुरस्कार है ना। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रमन जो आपके थे ये एशिया के पहले व्यक्ति थे। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आ गया है, कह रहे निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया अभिजीत विनायक बनर्जी, मदर टेरेसा, चंद्रशेखर वेंकट रमन और आपका दिया है देवेंद्र सत्यार्थी। तो राइट आंसर यहाँ पर कुछ लोग ए देंगे और कुछ लोग जवाब इसका डी देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो डी हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी को ये नहीं दिया गया है। दिया किसको दिया गया था, तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, किसका, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, ना कि देवेंद्र सत्यार्थी को दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिजीत बनर्जी जो आपके थे विनायक बनर्जी, इनको 2019 में दिया गया था, मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था, ठीक है ना, और रमन को दिया गया था 1930 में, है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे भी दिए हैं, कह रहे हैं लॉक कर दीजिए ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये नंबर, आपके साहित्य क्षेत्र में ना क्या हो जाएगा, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। आपके प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, ये बता सकते हैं कोई है जिस प्रश्न का जवाब दे सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था 1965 में सबसे पहले किसे दिया गया था। चलिए है कोई यहाँ पर, इतने स्टूडेंट में काफ़ी विद्वान साथी जुड़े हैं, क्या यहाँ पर जवाब दे सकते हैं कि जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था। तो जी हाँ बिल्कुल, जवाब आपकी परीक्षा ने दिया है जी शंकर कुरूप को, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, जी शंकर कुरूप को ये दिया गया था, क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित आपका क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है, मतलब दे सकते हैं जो बारिश का पानी होता है इसे जल संचय के रूप में अनिवार्य बना दिया है, ये आपका कौन सा है। इसका राइट आंसर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर आपका तमिलनाडु, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, तमिलनाडु राज्य है जो जल संचरण के दिशा में कदम उठाया है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है, चलिए बताइएगा प्रकृति का किडनी जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, रेगिस्तान को या दलदली भूमि को या हिमानी को या घास के मैदान को, किसे कहा जाएगा। चलिए प्रकृति का किडनी पूछा गया है और ये है कौन सा, यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर। तो देखो यहाँ पर आर्द्र भूमि है, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन कौन सा, बी नंबर, दलदली भूमि को, दलदली भूमि को हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि, क्या बोलते हैं इसे, आर्द्र भूमि भी बोला जाता है, और ये प्रकृति की किडनी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें लगभग वर्ष भर जो आपका जल भरा रहता है, क्या, इसमें लगभग वर्ष भर क्या होता है, जल जमाव रहता है जो कि पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करता है, जहरीली तत्वों के निष्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, यहाँ पर पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक बार लाइक वीडियो को जरूर करें ताकि आपको भी लगे कि नहीं हाँ कुछ हम नया सीख रहे हैं और हमें भी लगे कि आपको कुछ हम नया सिखा भी रहे हैं। तो चलिए समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है, तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, प्रवाल को दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, प्रवाल आपका जवाब राइट हो जाएगा। प्रवाल की जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता अत्यधिक होने के कारण इन्हें समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपका आ गया है जैविक खेती, क्या है, जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन सा आंदोलन 1987 में चलाया गया।
बताइए जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन सा आंदोलन 1987 में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका नौदान्य आंदोलन। इसका जवाब क्या बनेगा? ए नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है वो कितना दिया गया है? चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है वो आपका कितना है? यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार आपने पढ़ा है। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा डी, आपका 68.7%। कितना? 68.7% इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर तुक्का वगैरह चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या होगा भाई साहब, एग्जाम में आपका नंबर काट लिया जाएगा। चलिए बताइएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? चलिए सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? एग्रो केमिक जो बोला जाता है ना, इंग्लिश बोलते हैं एग्रो क्लाइमिस्ट जोन, तो इनकी संख्या है 9। कितनी संख्या है? ऑप्शन सी बनेगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तराई, भाभर, पश्चिमी, है ना, मध्य पश्चिमी, पश्चिमी अर्ध शुष्क, केंद्रीय मध्य, ये आपको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप थोड़ा इजी आपके हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बताइए पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? अब इन क्वेश्चन को गलती मत करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर बता दिया है ना, यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो रिवीजन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर दिया है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित होती है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी, भगवान जगन्नाथ। क्या? भगवान जगन्नाथ ऑप्शन बनेगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, कि हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपका जवाब बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका हो जाएगा केरल। कहाँ पर है? केरल में। ये हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि यहीं पर महिलाओं को जाने के लिए यहाँ पर रोका गया था, है ना, बल्कि अब ये महिलाओं के लिए भी खोल दिया गया है, इसमें से महिलाएं भी प्रवेश कर सकती हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पर देखो दिया है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और आज इस प्रश्न को गलती मत करिएगा, है ना, इस प्रश्न को गलती मत करिए, क्योंकि हमने इसके पहले रिवीजन करा दिया है। कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो आपका है, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ये किस राज्य में है? ऑप्शन इसका बनेगा बी नंबर, नागालैंड, है ना, बताया था ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना, याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, ये है आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, पहली बार आप जुड़े थे, है ना, तो इस वजह से गलती हो गई होगी, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि हम कोई भी सीरीज को होते हैं घुमा फिरा के ऐसे लाते हैं ताकि दोबारा उसका जवाब आप आसानी से दो और आपके अंदर इतनी खुशी आ जाए कि नहीं हाँ हमने तो कुछ करके दिखा दिया है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है, अरे क्या हो गया भैया, अरे कुछ तो बोलो। चलो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? चलिए बताइएगा, कह रहा है झूलती मीनारों वाली एक प्रसिद्ध भारत के जो शहर में है वो मस्जिद कौन सी है? तो इसका भी जवाब दे सकते हैं। चलिए जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपके अहमदाबाद में है। हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो मस्जिद है उस मस्जिद में जैसे आपकी एक ये मीनार है, एक ये मीनार है, एक ये मीनार है, तो इसमें से सभी क्या अटैच हैं आपके, है ना, और अगर एक मीनार को अब आप हिला देते हैं तो कुछ समय अंतराल बाद ये वाली ऑटोमेटिक हिलने लगेगी, कुछ अंतराल वाले ये आपके हिलने लगेगी, इसलिए इसे झूलती हुई मीनार कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कामेश्वरी की जो रचना किया है वो किसने किया है? यहाँ पर आपको जवाब देना है, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? कह रहा राग वागेश्वरी कामेश्वरी दिया है, इसकी रचना किसने की है? ये पंडित रविशंकर किया है। किसने? ऑप्शन बनेगा डी, यहाँ पर पंडित रविशंकर ने किया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है लास्ट सफर, क्या दिया है? लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? क्या दिया है? लास्ट सफर दिया है ना, और ये जो आपकी है आपके लियोनार्डो दा विंसी की है। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका सी, इसका जवाब राइट हो जाएगा, यहाँ पर लियोनार्डो दा विंसी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? और इस प्रश्न का जवाब हमें 100% सभी से सही चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है, है ना, इस क्वेश्चन को भी पढ़ाया है, और जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया है सभी से जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही सही लेने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर। कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, अवनींद्र टैगोर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बड़ी खुशी होती है कि जिसको हम आपको पढ़ा देते हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? अगर बच्चा यहाँ पर नवजात भी होगा तो वो भी जवाब दे देगा कि यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में पहली बोलती हुई फिल्म, यहाँ पर 9 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर।
तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, आलम आर आपका जवाब हो जाएगा। वहीं पर राजा हरिश्चंद्र जो आपकी मूवी थी ये कैसी थी, मुख पे मतलब कह सकते हैं कैसी थी, ये बोलती थी गूंगी वाली थी, सिर्फ चित्र देखो और हंसते रहो, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्न में से मिलान करना है, चलिए जल्दी से मिलान कर लीजिए, इसका जो जवाब बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से दिया गया है, जल्दी से मिलान करिए कौन हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर भरतनाट्यम क्या दिया है, भरतनाट्यम दिया गया है, और भरतनाट्यम कहाँ पर मिलेगा बताइए, तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु, चलिए यहां पर कर देते हैं 4 नंबर। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में है, आपका 3 हो जाएगा। कथकली आपके केरल में है, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उड़ीसा का आपको उड़ीसा हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 पहला नंबर आपका जवाब राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है, घूमर दिया है राजस्थान, बिहू दिया है बिहार, भांगड़ा दिया है पंजाब, और लावड़ी दिया है महाराष्ट्र में। तो यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा, बी नंबर बिहू। बिहू आपके बिहार में नहीं है, आपके असम में है। कहां पर है, आपके असम में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो दिया है सरोद, भीम जोशी दिया है गायन, उत्पल दत्त दिया है फिल्म, और शंभू महाराज दिया है आपका कथक। तो जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका गलत हो गया, कौन सा, ए नंबर। यहां पर आपका दिया है सरोद, 12 का ए नंबर होगा। तो देखो यहाँ पर सरोद वादन नहीं है, क्या है, यहाँ पर देखो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, है ना। यहाँ पर कोई भी चोरी कर जाएगा और मैसेज को डिलीट कर देगा, लेकिन हमारी निगाह पूरी तरीके से कहाँ पर, आपके कमेंट पर है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अमीर खुसरो जो आपके थे ये कैसे थे, ये थे आपके सरोद वादन नहीं थे, ये क्या थे, वीणा, है ना। क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर आपका गलत दिया गया है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर गलती से हो गया है, हमें पता है गलती से हो गया होगा जल्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है, चलिए बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ना, रॉक गार्डन है किसका बनाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब इसका भी सही होना चाहिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर नेक चंद, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये है आपके नेक चंद, जिन्होंने नेक काम किया है और रॉक गार्डन का निर्माण किया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आपका जवाब हो जाएगा। ये भी विश्वविख्यात है, याद रखिएगा, ठीक है, और रॉक गार्डन के नाम से, नेक चंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये मिल जाए कि नेक चंद रॉक गार्डन कौन सा है, तो भी आप जवाब यही दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, दिया है निम्न में से कौन सा लोक या जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, चलिए विधि है, सौरा है, तमाशा है, और आपका रौफ है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया था, है ना। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सौरा, जैसे हम लोग सहरा कहते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, चलिए माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कल के परसों के, क्योंकि हमने रिपीट किया है ना, ये वास्तविकता के साथ हमने रखा है ताकि आपको ये पॉइंट आपको याद हो जाए, है ना, गलती के चांस ना हो, हमने पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि आपको लोहा लाट बना देंगे, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन आपके पिछले साल आपको मिलेंगे, चाहे बीएड की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी में, क्योंकि स्टैटिक जीके सबके लिए उपकी होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, ये थे आपके एलके आडवाणी, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया है, बताइए। एक आपकी आत्मकथा है जो के नाम है एन अनसुटेबल बॉय, है ना, अनसुटेबल बॉय जो आपके किया है, ये लोकार्पण किया है किसने, तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी आ रहा है, कुछ लोग जवाब सी दे रहे हैं, इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, करण जौहर की है, किसकी है, करण जौहर की है। 17 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर एक आपके अभिनेता आपके हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर बताइए, कह रहा है कि रोमांसिंग विद द लाइफ नामक के पुस्तक लेखक के नाम बताइए। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा 18 नंबर में, चलिए रोमांस से यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, ये आपके थे कौन, तो आनंद आएगा, है ना, क्या आएगा, देव के साथ आनंद आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जवाब बन जाएगा डी, देव आनंद और रोमांसिंग विद लाइफ, ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा जो लिखी है किसने लिखी है, चलिए बताइए इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा जो लिखी है वो किसने लिखा है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर, अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है, चलिए बताइएगा कि यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक थी अनटू द लास्ट, है ना, और ये थे ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, रॉन जस्टिन, क्या, जॉन जस्टिन रस्किन, जॉन रस्किन है, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद की रचयिता कौन है,
चलिए यहाँ पर बताइए गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी जयदेव। इसका आपका जवाब हो जाएगा बी जयदेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है अभिज्ञान शकुंतलम जो आपका है क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम है ये आपका है क्या। तो चलिए 23 का जवाब देना है, 23 नंबर में। तो ये भाई क्या है, क्या है भाई बताइए, ड्रामा है, उपन्यास है, कविता है, कहानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न का जवाब सब लोग क्या हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। चलिए भैया बताइए जल्दी से, ये है आपका ए नंबर, ये है एक ड्रामा। क्या है ये, सब एक ड्रामा है, याद रखिएगा, ये एक ड्रामा है याद रखिएगा, जिसे हम लोग नाटक बोलते हैं। क्या नाटक, जो लोग ड्रामा करते हैं बोलते हैं ना नौटंकी कर रहा है, मतलब ये क्या होता है, एक नाटक होता है। तो क्या जवाब बनेगा, ए नंबर, ड्रामा को ये मुको बोलते हैं, एक नाटक बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो आपके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा कि खाने वाली चीज़ ना कोई मशहूर होती है और मशहूर होती है, तो आपका जवाब होता है बी आपके मैसूर। तो याद रखिएगा, खाने वाली कोई ना कोई चीज़ मशहूर होती है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा मैसूर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का काफ़ी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। अब ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, भारत का काफ़ी अनुसंधान है ये आपके कहाँ पर स्थित है, बताइए भाई यहाँ पर बताइए इसका जवाब क्या बन जाएगा। तो 25 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन हम आपको अगर बता दें इनमें से क्या रख दें, यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें कि मैसूर अगर ऑप्शन में होता तो आप लोग जवाब दे सकते थे, क्या कर्नाटक दे सकते थे, है ना। और कर्नाटक की बात करते हैं तो आपका ये जिला कौन सा है, चिकमंगलूर, क्या है, चिकमंगलूर है ना, मंगलूर। मंगलूर से आपको याद आया होगा कि जो बंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है ना। तो तुक्का थोड़ा अगर मारते तो आपका जवाब बन जाता मंगलूर बंगलौर, आपका कर्नाटक बन जाता है ना। तो ऑप्शन क्या होता है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारा करो यार सब लोग, है ना, इनमें तुक्का मारा करो, लेकिन कैसे, थोड़े सोच समझ के तुक्का मारा करो। चलिए बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो स्थित है कहाँ पर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो आपकी है ये आपके कहाँ पर है। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा कहाँ पर बनेगा, ये पड़ता है आपके रायबरेली में, कहाँ पर, रायबरेली में। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा रायबरेली। रायबरेली में एक आपका है कौन, तो आपका फुर्सतगंज, वहाँ के लोग बहुत फुर्सत में रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, फुर्सतगंज हो जाएगा, फुर्सतगंज रायबरेली में आपका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है WHO का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है। बच्चे बच्चे के जवान पर रटा होगा कि ये आपका है क्या, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर जवाब आ रहे हैं तो लगभग सभी के सही हैं। यहाँ पर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का है कहाँ पर, तो आपके ऑप्शन बी आपके जिनेवा में है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में आपका है ना। जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया ये कब किया गया था। चलिए इसका भी जवाब आप लोग सही जवाब दीजिएगा, सभी लोगों से यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग जवाब दोगे, क्योंकि क्वेश्चन हमने दोबारा से आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, अगस्त 1948 में। कब भैया, अगस्त 1948 में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, कह रहा है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। चलिए इसका भी जवाब दीजिए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, देहरादून में है या बंगलुरु में है या हैदराबाद या आबू रोड। देखिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, तो आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है भाई, तो आपके हैदराबाद में है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसे हम लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, है ना, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है ना, याद रहेगा, जो कि आपकी पुलिस सेवा के अधिकारियों क्या देता है, प्रशिक्षण देता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा क्वेश्चन, कह रहे कितना सुना देते हो। चलिए बताइए भारत में वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अरे स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके नहीं आएगी तो बताओ क्या होगा, है ना, इसलिए मजबूत करना है हमें। यहाँ पर बताइए वन अनुसंधान कहाँ मिलेंगे, वन मिलेंगे आपके कहाँ पर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर आपके भोपाल में दे रहे हैं। भैया भोपाल में कैसे हो जाएगा, यहाँ पर वन जो मिलेगा तो हमारे ट्रिक के अनुसार आप जाइएगा, तो यहाँ पर वन होते हैं क्या, हरे भरे वन होते हैं क्या, हरे भरे होते हैं, और हरा भरा कहाँ पर है, तो आपके देहरादून का है, देहरादून। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर 31 नंबर आपसे पूछा गया है, 31 नंबर का जवाब पूछा गया विश्व बैंक का मुख्यालय,
तो आपको जवाब पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, ऑप्शन बनेगा आपका भी वाशिंगटन डीसी में। स्थापना पूछे तो आपको बताना है कि 1944 में, कब हुई थी सर, 1944 में स्थापना की गई थी। अगर पूछे उद्देश्य क्या था, तो याद रखिए उत्पादन एवं विकास है ना को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर बता दीजिएगा। तो जवाब आपका बनेगा क्या, ये बनेगा ऑप्शन सी, आपके नागपुर में है। कहाँ पर है, तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर में है, नागपुर में आपका है, ठीक है। और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए इस प्रश्न का जवाब देना है, चर्म अनुसंधान पूछा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चर्म प्रसंस्करण चमड़े के सामानों का निर्माण किया जाता है ना, और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और आपका जवाब बनेगा यहाँ पर सी नंबर, आपके चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही आपका क्या हो सकता है। और इस प्रश्न में देखा जाए तो नाक बचाने वाली बात है कि इसका जवाब आप लोग क्या, आपने हमेशा पढ़ा है ना, तो भैया हमेशा पढ़ा है तो आप जवाब सही दो फिर। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। तो क्या आप लोग होश में आप लोग जवाब दे रहे हो ना, अपने होशों और हवास के साथ अगर जवाब दे रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल सही दिया है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, स्टॉकहोम में हो जाएगा, है ना। बिल्कुल जवाब आपने बिल्कुल सोते हुए नहीं जागते हुए दिया है ना, स्टॉकहोम आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ, एक पॉइंट आपका पूछा जाता है क्या, जो कि बहुत जरूरी है। जरूरी ये है कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है, ठीक है, नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है वो नॉर्वे में दिए जाते हैं। कहाँ पर भाई, नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे में पड़ता है ओस्लो। कहाँ पड़ता है, तो आपका ओस्लो पड़ता है, ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। और अन्य सभी जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है, तो आपके स्वीडन में पड़ता है। उम्मीद है ये सभी आपको पॉइंट सही आपका आ गया होगा, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। बताइए भाई यहाँ पर नोबेल का पुरस्कार जो दिया गया था, है ना, प्रथम नोबेल पुरस्कार वो किस विषय के लिए दिया गया था। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका ए नंबर, कह रहे हैं साहित्य के लिए दिया गया था। अच्छा, साहित्य के लिए किसको दिया गया था, ये कोई है जो जवाब दे सकता है इसका। अगर पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है। आराम आराम से पढ़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम अपने पास है ना। तो देखिए यहाँ पर साहित्य के लिए दिया गया था, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, है ना, गीतांजलि के लिए। और कब दिया गया था, तो 1913 में। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। और एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, आपका आ चुका है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चलिए यहाँ पर 37 का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी, आपके संगीत के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा कि आपके ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान है ना, संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वो आपकी कौन थी। चलिए पहली महिला आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका कौन सा, डी नंबर, आशा पूर्णा देवी, जो को हमने आपको ये क्वेश्चन आपको बताया भी है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया भी था। परम कह सकते हैं कि आपके कब 1976 में, कब 1976 में आपका दिया गया था। चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं आगे क्या जिंदगी है। आगे यहाँ पर दिया है दादा साहब फाल्के आ चुके हैं। चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था, ये आपसे पूछा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपका श्रीमती देवकी रानी, ऑप्शन क्या बन जाएगा, श्रीमती देवकी रानी आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है, अच्छा भैया। तो यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ कर देखते हैं कि आगे क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या जवाब बनेगा, यहाँ पर जवाब आपका अगला है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। बताइए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज होते हो या नहीं होते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका नेल्सन मंडेला भी है और आपका खान अब्दुल गफ्फार खां भी है, यानी बेसेंट भी है और दलाई लामा भी है। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर और ऑप्शन डी, यहाँ पर घनघोर आपका कह सकते हैं टक्कर हो रही है, ऑप्शन यहाँ पर कह सकते हैं मिल गया है,
जवाब डी दे रहे हैं। तो देखिए 40 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सही आंसर होगा डी नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खां को। किसे दिया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका दिया गया था 1987 में। कब? 1987 में दिया गया था, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला को जो दिया गया था वो 1990 में दिया गया था, है ना, जो कि दूसरे विदेशी थे, है ना। ये थे विदेशी लेकिन दूसरे विदेशी थे, इन्हें 1990 में दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर हमें पता ही नहीं क्या छुट्टी करना भी है। चलिए बताइए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? यहाँ पर बताइए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न पूछा गया है, भारत रत्न पूछा गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 41 का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, आपकी इंदिरा गांधी। कौन थी भाई? तो आपकी इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा बी नंबर। क्या बन जाएगा? बी नंबर 71 में दिया गया था। कब दिया गया था? 71 में दिया गया था, ठीक है। चलिए और अच्छा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, है ना, और मदर टेरेसा, है ना, लता मंगेशकर, ये 1980 में दिया गया था, है ना, 2001 में दिया गया था, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है इसका 42 नंबर का राइट क्या हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आ रहा है बछेंद्री पाल, है ना। जवाब क्या बनेगा? बछेंद्री पाल आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? यहाँ पर जवाब देना है। न्यूक्लियर की बात करते हैं तो आपका जवाब तुरंत आ गया है होमी जे भाभा, है ना। मतलब आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा, जो कि आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ना। वे परमाणु आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ठीक है, परमाणु आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में वायुयान से इनकी दुर्घटना हुई थी, और वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? होमी जे भाभा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, क्वेश्चन आपका दिया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर आपका जवाब तो सभी को पता ही होना चाहिए, है ना, सभी को पता होना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 5 जून हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। थोड़ा और क्वेश्चन बचे हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल, है ना। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर 22 अप्रैल आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने अक्टूबर 2 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ये कौन सी आपकी संस्था है जिसने घोषित किया था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब बनेगा आपका ए नंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आपका मिलेगा। यहाँ पर लाइक शेयर भी बढ़ाते रहिए भाई, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर भी बढ़ाइएगा। चलिए यहाँ पर बताइए सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए यहाँ पर सांडों की लड़ाई भी होती है भाई, याद रखिएगा। और कहाँ पर होती है? तो आपके स्पेन में होती है। कहाँ पर? आपकी स्पेन में होती है। अच्छा ये बताइए भारत में भी एक राज्य है, भारत में भी क्या है? एक राज्य है जहाँ पर सांडों से लड़ाई होती है, है ना। वो आपका कौन सा है? तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। तमिलनाडु है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से आपकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर जिसे बोलते हैं जल्लीकट्टू। क्या बोलते हैं? जल्लीकट्टू बोलते हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन। चलिए कह रहा है वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटने से है, पेड़ लगाने से है, या फसलों के वृद्धि से है, या पौधों का संरक्षण से है? जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 48 का डी, 48 का ए, 48 का बी। मतलब देखा जाए काफ़ी इसमें कंफ्यूज में लगे हुए हैं, और इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, आपके पेड़ लगाना। ये वन महोत्सव से संबंधित आपका है, जिसे प्रकृति को हरा भरा कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? चलिए भाई पाकिस्तान की राजधानी के बारे में आप लोग जानते होंगे, बताइएगा 1959 तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो आपकी कौन थी? तो देखते हैं इसका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका 49 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा, कराची थी। क्या थी भाई? कराची थी। देखो यहाँ पर जवाब कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, तो याद रखिए कराची थी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी राजधानी इस्लामाबाद भी थी, है ना। 1967 में नई राजधानी इस्लामाबाद बनाई गई थी, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका जवाब आ गया है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कंगारू देश का राष्ट्रीय प्रतीक बताइए। बस थोड़े से और क्वेश्चन आपके बचे हैं,
कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपके ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जवाब। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य पूछा गया है, और गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? फगुआ है, फुगड़ी है, बिहू है, या माछ है? तो याद रखिए फुगड़ी क्या है? फुगड़ी फुगड़ी करता है। ऑप्शन बी इसका जवाब राइट हो जाएगा। बिहू है असम का। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन? किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता? बताइए दूसरी बार पुरुषों का जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था वो कब जीता था? यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा? कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, तो हो सकता है गलती से भी लग गया हो, है ना? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2011 आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं ऑप्शन डी 28 फरवरी। क्या? 28 फरवरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है बताइएगा, जापान की मुद्रा। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है एन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जापान की मुद्रा क्या है? एन है। अच्छा कैसी मुद्रा होती है? तो आपने YouTube में देखा होगा कभी कभी इस प्रकार से चित्र बना हुआ आपने देखा होगा, और ऐसे ऐसे होती है। ये जापान की मुद्रा क्या है? प्रतीक आपका है। वंदे मातरम।